नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं LPG सिलेंडर का प्राइस को लेकर के। बहुत सारे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं आपके। हमने अगले वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, उस वीडियो को कमेंट को देखते हैं और जितना भी सारे कमेंट का जो कन्फ्यूजन है आपके अंदर में, उन सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए कॉमेंट को देखते हैं पहले, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलते और देखते हैं सबसे पहला कमेंट जो हमारे यहाँ सामने है, वो सरवन पासवान का है। उसने हमें कमेंट किया है, लव यू भाई जोहार झारखंड, मैं भी गिरिडीह से हूँ। चलिए बहुत ही अच्छा है, आप भी गिरिडीह के रहने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे कमेंट की ओर और देखते हैं दूसरे कमेंट में क्या है। यहाँ पे अशोक सिंह हमें कमेंट करते हैं, इसका ऐप बनाइए। देखिए भाई, मैं ऐप नहीं बना सकता क्योंकि मैं कोई ऐप डेवलपर नहीं हूँ। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यहाँ पे सत्यजीत दास ने हमें कमेंट किया है, भारत गैस रिफिल का प्राइज कैसे पता करें, एक वीडियो बनाइए दिखाइए प्लीज। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए अगले कॉमेंट को देखते हैं। यहाँ पर श्याम सुंदर ऑफिशियल ने हमें कॉमेंट किया है, क्या सर्च करने पर आएगा भाई वहाँ। तो चलिए हम बताते हैं कि आप क्या सर्च करेंगे जो हमें आपको वहाँ तक ले जाएगा। और यहाँ पे ओनली इंडियन का बताया भाई, भारत गैस का कौन बताएगा, तुम्हारा टाइटल मिस लैंडिंग है, वीडियो से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं अगले वीडियो में रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे कमेंट को देख लिए कि कौन कौन से कन्फ्यूजन है, उन सारे कन्फ्यूजन को आपको दूर करने वाले हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है कि तीनों जो कंपनियों का है, हिंदुस्तान, भारत और इंडियन, ये तीनों जो कंपनियां हैं उन तीनों कंपनियों का जो रेट होता है वो सेम होता है। जिस प्लेस में आप रहते हैं उस प्लेस में तीनों कंपनियों का जो रेट है वो तीनों सेम होता है। तीनों का प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिलेंडर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ लिखा हुआ रहता है कि उसमें ये भारत का है, हिंदुस्तान का है, इंडियन का, अलग अलग मार्क लगा हुआ रहता है सिलेंडर में। और सिलेंडर का कुछ पहचान भी है, उसके पहचान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पहचान बताएंगे कि आप अगर तीनों का सिलेंडर में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों अगर मिट जाए तो उसमें क्या आप छांट सकते हैं कि कौन हिंदुस्तान का है, कौन इंडियन का है और कौन भारत का है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्राइस को लेकर के, और प्राइज में बहुत सारे कन्फ्यूजन, उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलिए सबसे चलते हैं पोर्टल पे और पोर्टल पे देखते हैं इंडियन का जो प्राइज है, तो इंडियन गैस का जो सिलेंडर का प्राइज है उसका कितना कितना है। हमारे सामने यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 14 किलो का सिलेंडर है, जो यहाँ पे 14.2 kg जो यहाँ पे सिलेंडर है उसका रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 754 रुपया। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर का मतलब इंडियन का रेट है। तो आपको जो विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, उसे हम आपको बिलीव करवाएंगे कि तीनों का रेट सेम होता है। तो चलिए चलते हैं एक दूसरे पोर्टल पे, उस पोर्टल पे देखते हैं कि LPG का प्राइस क्या है, मतलब LPG गैस का प्राइस। ये तीनों कंपनियों का डिफरेंस होता है, सिर्फ हम LPG का प्राइस हम देखेंगे कि जो 14 किलो का सिलेंडर का जो प्राइस है उसका क्या है। तो चलिए हम चलते हैं एक और पोर्टल पे, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ओपन है, इस पोर्टल पे देखते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे झारखंड के रहने वाले हैं और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो गिरिडीह है, और गिरिडीह का हम प्राइस चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा क्या प्राइस है, यहाँ पे LPG गैस का प्राइस क्या है, जो यहाँ पे 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है उसका रेट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रेट दिखाई दे रहा है 754 रुपये। मतलब यहाँ पे तीनों कंपनियों का रेट दिखाई दे रहा है, LPG सिलेंडर का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तीनों कंपनियों में कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे, मतलब एक कंपनी का रेट आपने देख लिया तो तीनों का सेम होता है। अक्सर ये देखते हैं कि लोग इंडियन का जो पोर्टल होता है, इंडियन गैस का जो पोर्टल होता है, उसी पोर्टल के माध्यम से तीनों कंपनियां देखते हैं रेट को और उसी से तय करता है। आप दूसरा वेबसाइट एक ये है आपके सामने, इस वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। हम भी कुछ दिनों के लिए हमने भी गैस एजेंसी में काम किए थे, और हम जो इंडियन का जो होता है वेबसाइट, उसी के पोर्टल के माध्यम से हम चेक करते थे और उसी के माध्यम से हम
जो गैस का रेट हो जो प्रत्येक महीना जो चेंज होता था उसी चेंज को हम देख पाते थे वो इंडियन के पोर्टल से। तो आप यहाँ पे आपके सामने दो पोर्टल है, आप दो पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों को ओपन करने के लिए आपको बताते हैं, क्योंकि हमें अगले वीडियो में कमेंट करके मिला था कि क्या सर्च करेंगे जो हमें ये सारे जानकारी मिलेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हमने लिंक दे रखा था, उस लिंक के माध्यम से आप चेक कर पा रहे थे। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या सर्च करना है जो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएंगे। ये दो पोर्टल है हमारे पास, एक इंडियन का है जो यहाँ से हम जो गैस का जो रेट प्राइस जो होता है वो हम चेक करने के लिए अगले वीडियो में बताए थे, और एक न्यू पोर्टल जो हमने ढूंढ के निकाले हैं ये है हमारा न्यू पोर्टल। और इस पोर्टल से भी आप गैस का प्राइस चेक कर सकते हैं, डीजल का प्राइस चेक कर सकते हैं और पेट्रोल का प्राइस भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के सोना चांदी हीरा मोती जो भी है इस सारे चीज़ों का रेट आप यहाँ से इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि आप किस तरह से सर्च करके आप निकाल सकते हैं दोनों को, दोनों जो वेबसाइट है का पोर्टल है आप ढूंढ पाएंगे किस तरह से। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं, कंज्यूमर जो पोर्टल होता है मतलब जो कस्टमर का पोर्टल होता है उसका अलग पोर्टल होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है उसका पोर्टल अलग होता है, और ऑफिशियल जो पोर्टल है वो अलग होता है। तो यहाँ पे हम जो ग्राहक का जो पोर्टल है जो कस्टमर का पोर्टल है उस पोर्टल को ओपन करेंगे, उस पोर्टल के माध्यम से आप प्राइस को चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कस्टमर इंडियन ऑयल आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगे। तो इस पे नहीं करना है, यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टल दिखाई दे रहे होंगे कस्टमर पोर्टल, ठीक है, ग्रीवेंस इंडियन ऑयल डॉट इन, ये पेज आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्टल पे आपको जाना है। तो चलिए इस पोर्टल पे चलते हैं, और चलने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपके सामने, और आप जो प्राइस चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, वो है ट्रिप प्राइस। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ट्रिप प्राइस को क्लिक कर लेना है। आप चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे जो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है उसका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके आप अगले पेज में जा करके आप वहाँ आसानी से चेक कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस जो दिखाई दे रहा ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो हमने यहाँ ऑलरेडी क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस पोर्टल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आप उस स्टेट कहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे झारखंड के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हम झारखंड को चूज कर ले रहे हैं, और आप भी चूज कर लीजिएगा झारखंड, आप झारखंड के रहने वाले हैं। जब आप किसी अनदर स्टेट का रहने वाले हैं तो आप वहाँ पे चूज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है यहाँ पे गिरिडीह है, तो यहाँ पे हमने गिरिडीह चूज कर लिया है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन का है तो आप किसी भी इंडियन का जो गिरिडीह का मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आप किसी भी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान का हैं, अगर आप भारत का हैं, तो आप इंडियन के किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसी से आपको प्राइस चेक कर लेना है। अगर आप इंडियन के हैं तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आपका नाम यहाँ दिया हुआ रहेगा, आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे किसी एक का ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, और लिस्ट किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपके सामने यहाँ पे खुल चुका है, कुछ इस तरह से लिस्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे 14 तरह के सिलेंडर हैं, और 14 तरह के जो भी सिलेंडर हैं उनका प्राइस कितना कितना यहाँ पे सारे प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 14 किलो का बेसिक जो लोग लेते हैं 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का रेट, अधिकतर लोग उसी सिलेंडर को यूज करते हैं जो 14.2 kg का सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे 14.2 kg का जो सिलेंडर है यहाँ पे 7
₹1,54 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 14 kg सिलेंडर सिलेंडर जो विदाउट सब्सिडी का जो सिलेंडर है उसका भी कीमत सेम है, ₹754 इसका भी कीमत है। मतलब कीमत में अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर सब्सिडी वाला सिलेंडर और नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर जो भी है उसी में कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने पहला जो होता है पोर्टल, उस पोर्टल में हमने यहाँ पे आपको बताएं कि आप किस तरह से चेक कर पाएंगे, और दूसरा पोर्टल के बारे में चलिए यहाँ पे देखते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह से चेक कर पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, इस पोर्टल को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सर्च करना है LPG प्राइस, LPG प्राइस सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएंगे जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पोर्टल आपको पोर्टल को ओपन कर लेना है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप झारखंड यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ओपन करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे दिखाई देंगे सामने में। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं और आप वहाँ से किस तरह से चेक कर पाएंगे, आपको सारा डिटेल्स इस पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर का यहाँ पे डेट भी दिखाई दे रहा है, और 18 दिसंबर को आप चेक कर पाएंगे कि आज के डेट में जो LPG सिलेंडर का प्राइस है आप किस तरह से चेक कर पाएंगे और कितना उसका रेट है आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे LPG, और LPG सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट और स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे झारखंड का रहने वाले हैं तो JH यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो JH से झारखंड होता है और यहाँ पे हमारा झारखंड आ चुका है। और झारखंड को सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट और सिटी, तो यहाँ पे हम जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना। तो चलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्च नहीं करेंगे, फिर भी आपके सामने ओपन हो चुका है इस तरह का लिस्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हर एक स्टेट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्राइस नहीं है बल्कि सेम सभी डिस्ट्रिक्ट का प्राइस सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम गिरिडीह का रहने वाले थे, आप गिरिडीह का प्राइस देखिए ₹754 दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारा दिसंबर का है और ये यहाँ पे नवम्बर का प्राइस है। तो आपने यहाँ पे दोनों वेबसाइट से देख चुके हैं कि ₹754 इसमें भी दिखाई दे रहा है और इससे भी आप प्राइस में ₹754 ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर हो रेट सेम होता है, इंडियन हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, तीनों कंपनियों का रेट सेम होता है। अब बताते हैं कि तीनों कंपनी में डिफरेंस कैसे रेट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन लोग प्राइस में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ₹754 है और अभी ₹1 और ₹2 का जो चेंज सिक्के है वो नहीं लेना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, असकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उन लोग पैसा लेना नहीं चाहते हैं ₹1 और ₹2 का, तो उसके लिए उसने रेट को यहाँ पे ₹1 बढ़ा देते हैं, मतलब ₹755 वो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। कोई ₹56 कोई ₹60 ले रहे हैं, वो अपना मर्जी से वो तय करते हैं। लेकिन आप जिस दिन इसके बारे में प्राइस के बारे में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, उसी दिन आपको सेम रेट पर प्राइस पे आपको सिलेंडर देगा। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं सिलेंडर का प्राइस और आसानी से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपसे ₹1 भी ज़्यादा नहीं ले सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एक ये मात्र पहला वीडियो है जो आपको मिलेगा कि माल किस तरह से आप LPG सिलेंडर का प्राइस चेक कर सकते हैं। ये एक लौता वीडियो है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।